भाग गई वो बता लड़ाई देखने के चक्कर में। मम्मी ने ऐसे रखी और वैसे रखी। छैप मैट तो नहीं रखे हो ना, अठक माठक खा जाए पता ही नहीं चले कितने खा गए। नहीं मैंने चार पराठे रखे हैं। कितने? चार। आप लोगों ने देखा ना मैंने चार रखा ना, मैंने ब्लॉग भी शूट किया है, चार रखे पराठे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आप लोगों को कुछ कुछ पता चलेगा। और ये मैंने मंगवाया हुआ था, बहुत मच्छर काट रहे थे तो मैंने बोला चलो ये मंगवा लेते हैं, ख़त्म हो गई थी। आखिर वो लगी हुई है ऐसे मच्छरों को डराने के लिए, मैंने लगाया हुआ है कि मच्छर देख के भाग जाएं कि कुछ ना कुछ लगाया, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। मैं दिखाती हूँ, देखो थोड़ी सी मैं ऐसे हिला के लगा देती थी तो दो तीन दिन से यही चल रहा था, पर अब ये आ गई है तो इसको लगा देते हैं। और ये माचिस मैंने मंगवाई थी, माचिस भी नहीं थी, और ये डिटॉल ना इसके साथ फ्री आया हुआ है। पूरा सामान 87 का है तो ये मैंने मंगवाया हुआ है। अभी श्रेया कोचिंग से आई नहीं है, यहाँ पे चढ़ रही है, बन रही है दाल है ना, और यहाँ पर चावल बन चुका है, उसमें ऑयल रखा है और श्रेया का इंतज़ार कर रहा है। दाल चावल बन गया होगा, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं दिखूंगी आप लोगों को मेरी एक चोटी जो कि मैंने की हुई है, मैंने कंघी नहीं की, ऐसे बैठे बैठे मैंने ये चोटी ऐसे कर ली। तो चलो पहले मैं लगा लेती हूँ ये ऑल आउट। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और मच्छर मारने का ही लिक्विड ख़त्म हो गया था तो मैंने बोला मंगा देते हैं, और इसको मैं चेंज कर रही हूँ, लगा रही हूँ। बहुत मच्छर है इस समय, सच में ऐसा डसते हैं ना कि क्या बताएं, कोई भी काम करने नहीं देते हैं। रेडी हो चुका है और इसको हम लगाते हैं। अब मच्छर भागेंगे, बहुत मच्छर थे। मैं क्लैचर ढूंढ रही थी, क्लैचर बेड में पड़ा हुआ है। ये नेल पेंट लगाया हुआ था मैंने, और ये कलर देखो लग रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है ये, क्योंकि ग्रीन के ऊपर लगा लिया। तो इसको रख देते हैं। श्रेया को आज जाना है एक, यहाँ पर बच्चे का बर्थडे है साइड में ही, जो कोचिंग आता था बच्चा, तो उसका बर्थडे है, तो श्रेया को बर्थडे में भी बुलाने आए थे। तो मैंने ये रैकेट निकाला था कि शायद ये काम कर जाए, क्योंकि वो लिक्विड ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने बोला कि इससे मरेंगे मच्छर, पर ये ना जिस समय आया था तभी काम कर रहा था। प्लीज़ कोई ना खरीदे ये रैकेट जो आता है मच्छर वाला, क्योंकि अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हम जिस समय लाए थे तभी इसको किया, फिर उसके बाद मच्छर गायब हो गए तो इसको हमने रख दिया और अच्छे से रखा, पर ये काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसको चार्ज में भी लगा के देखा पर ये कोई काम का नहीं है। हम कर रहे हैं श्रेया का इंतज़ार, और बाजू में एक बच्चे का बर्थडे है बिल्कुल साइड में ही, तो बोल के गया है दीदी को भेज देना, केक कटिंग होगा। तो यहाँ पर ये ना इसके साथ साबुन फ्री मिली हुई थी डिटॉल, तो बड़ी खुशी हुई, कोई भी चीज़ फ्री मिलती है ना तो मज़ा आ जाता है। तो 87 का पूरा सामान आया था जो कि मैंने शायद बता दिया आप लोगों को, और मन नहीं लग रहा है श्रेया के बिना। अभी श्रेया क्यों नहीं आई है, थोड़ा लेट ही हो गई है, हालाँकि मैंने लाइट वाइट चला के रख दी है बाहर की, चालू है लाइट, टाइम भी हो गया। आ गई किचन में, खाना तो बन गया है दाल चावल,
क्योंकि मैं उसके आने से पहले ही बना दी, गरम गरम वो खा लेगी, पर उसे बर्थडे में जाना है तो शायद अभी नहीं खाएगी, अब लेट खाना ही खाएगी, जब वो खाएगी तब मैं खा लूँगी। तो मैंने बोला चलो दूध रखा हुआ है तो अपन दूध गर्म कर लेते हैं जब तक। तो दूध यहाँ पर गर्म कर रही हूँ और उसका इंतज़ार चल रहा है मन में, बस दिमाग में यही कि अब क्या करना है। तो दूध के बर्तन जो थे वो खाली करके मैंने धो लिए, और आज के ब्लॉग में यानी अभी जो मैंने जितना शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और सुबह मॉर्निंग टाइम का थोड़ा शेयर करूँगी कि श्रेया के टिफ़िन में मैंने क्या क्या रखा सुबह सुबह। यानी बहुत कम मैं ब्लॉग सुबह का शूट कर पाती हूँ, पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर मैं दाल चावल की कंडीशन देख रही थी क्योंकि करीब 30 मिनट हो चुका है बने रखे, तो मैंने बोला ठीक बना है कि नहीं, तो ये देख रही थी। यहाँ पर ये चावल आप लोग देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया चावल खिले खिले। तो दाल में मैंने बनाते ही समय बॉइल कर लिया, और ये देख सकते हो अभी कुछ दिन से मैं ऐसे ही बना रही। मैं बोल रही कहीं लड़ाई हो रही, तो बोलती जल्दी करो छोटी, मैं देख के भाग गई। वो बताओ लड़ाई देखने के चक्कर में तो ऐसे ही थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो हम तो अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो वो वॉइस भी आ गई यहाँ पर, श्रेया खड़ी हुई है, मैं उसको लेके चली कि चल अब सीधे, तो टाइम हो रहा है तेरा, तो उसको लेकर आई मैं ऐसे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड श्रेया खड़ी हुई थी, मैं भी उसके पीछे गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मैंने बोला चलो, क्योंकि टाइम स्कूल का हो रहा था, ये सब चीज़ें देखने लायक नहीं है बच्चों की, और क्यों फालतू किसी का देखना कुछ भी। तो यहाँ पर ये पराठे मैंने आज बहुत सारी चीज़ें से मिक्स करके बनाई हुई है, और आलू फ्राई कर दिए थे, इसमें ना चने की भाजी भी मिक्स है और अजवाइन है, दाल है, बहुत सारी चीज़ें मिला के पराठे रखे हुए हैं। और पराठे ज़्यादा मैंने रख दिए हैं क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ बनाओ ना, देखो मैं ढेर लगा के रखते जा रही हूँ, तो बच्चे भी शेयर करके खाते हैं ना, सबके बच्चों यानी पेट में जाए, सब बच्चे खाएँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो बचे हुए थे वो मैंने ढक करके रख दिया है, और यहाँ पर मैंने पराठे रख दिए हैं। थोड़े से आलू मैंने श्रेया को बोली थी खाएगी, तो बोले नहीं आप खा लेना, मैंने बोली नहीं मेरे को तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैंने नहाया नहीं था और लेट हो रही थी, तो मैंने श्रेया का टिफ़िन ऐसे ही बना दिया था। तो मैंने बोला मैं नहीं खा रही हूँ, तुम खा के चले जाओ और मैं पाठ वाठ करूँगी, पूजा करूँगी, और उससे पहले मैं फिर खाना वाना कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय के अलावा कुछ भी नहीं होता है मेरा जब तक नहा ना लूं। मेरी आधी झाड़ू पड़ी है, झाड़ू नहीं लगाई। हाँ का है तो आ रहे, वो चाबी कहाँ है बाहर की? कहाँ बाहर मिल गई चाबी, श्रेया जाएगी अनंत के साथ स्कूल, अनंत आ गया है। खोलो अनंत, तो अनंत आ गया है, मैंने लॉक खोल दिया, वो आ जाएगा। अनंत क्या ले जा रहे टिफिन में? कुछ नहीं ले जा रहे, क्यों खा के जा रहे हो? क्या खा के जा रहे? सब्जी रोटी। लेके क्यों नहीं जा रहे? तेरा बैग ही ले जाएगा। चलो अनंत आ गया है, बॉटल और टिफिन चेक कर लेना, मैंने पानी भर दिया है, मम्मी का चेक कर लेना, फिर भी देख लेना, वरना फिर बोलोगी कि मम्मी ने ऐसे रखी और वैसे रखी। चेक मैं तो नहीं रखे हो ना, अठक माठक खा जाए पता ही नहीं चले कितने खा गए। नहीं मैंने 4 पराठे रखे हैं। कितने? 4। आप लोगों ने देखा ना मैंने 4 रखा ना,
मैंने ब्लॉग भी शूट किया है, चार रखे हैं पराठे। हाँ कह रहे बिल्कुल। अरे ऐसे मत कर, कैसे से कट उसको बाहर लेके आ कचरा, यहाँ हॉल में झाड़ू लगानी है। तो मैंने चार पराठे रखे हैं, आप लोगों ने खुद देखा है। और श्रेया बोल रही है आठ, छः आठ तो नहीं रख दिए, नहीं खाते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। क्या लगा लो जी ज्यादा खाने तो को मोटी होते ही नहीं हम, पता नहीं कब तक का हम मोटे ही नहीं होते हम, का बता रहे हैं। श्रेया तो चली गई है स्कूल, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर ना मुझे चक्कर टाइप में आ रहे थे, तो मैंने बोला मैं दूध ले लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा दूध पी रही हूँ यहाँ पर। और ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय।